नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपने कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ष 2015 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष में आखिरी राशि मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि स्वभाव राशि है, जलीय तत्व की राशि है, वर्ण ब्राह्मण है। मीन राशि की कफ प्रकृति है। मीन राशि का चिन्ह 2 उल्टी दिशा में मछली है। मीन राशि में उत्पन्न जातक गंभीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दयालु होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, परोपकारी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। मीन राशि वाले गूढ़ विद्याओं में अधिक रुचि लेते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखते हैं, दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, सात्विक दूरदृष्टि, व्यवहार कुशल तथा नीति नियम के अनुसार आचरण करने वाले होते हैं, दानी होते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, गुरुजनों का आदर बहुत करते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वाणी मधुर होती है, ईमानदार होते हैं, संबंधियों की तथा मित्रों की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। लोग इन पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं तथा मान सम्मान भी अधिक देते हैं। मीन राशि वाले धनवान होते हैं, भाग्य के प्रति सदा सचेत रहते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। मीन राशि वाले मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। दी स्वभाव राशि होने के कारण डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। वर्ष 2015 में ग्रहों की पोजीशन इस प्रकार थी। वर्ष के आरंभ में मीन राशि पर केतु तथा 7th हाउस पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु और राहु केवल उपचय भावों में ही शुभ फल देते हैं, यानी कि 3rd, 6th, 10th, and 11th भाव में ट्रांजिट करते समय अच्छा फल देते हैं, अन्य भावों में अशुभ फल देते हैं। पहले भाव में केतु शारीरिक शक्ति में कमी कर रहा है, स्वास्थ्य खराब करेगा, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, धन हानि होगी। राहु 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में कलह कलेश पैदा करेगा, पति पत्नी में झगड़े होंगे, पार्टनरशिप टूट जाएगी, धन हानि भी होगी। शनि वर्ष भर वृश्चिक राशि में यानी कि 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। वर्ष 2014 में मीन राशि पर शनि की अष्टम ढैया थी। वर्ष 2015 में अष्टम ढैया के अशुभ फलों से राहत महसूस होगी। शनि के 9th हाउस में ट्रांजिट से पिता को रोग कष्ट होते हैं, धार्मिक कार्यों से दूर कर देता है। गुरु ट्रांजिट करते समय केवल 2rd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में ही शुभ फल देता है।
फिफ्थ हाउस में गोचर से व्यक्ति के पुत्र को लाभ प्राप्त होगा, पुत्र सुख प्राप्त होगा, संतान की उन्नति होगी, जातक की बिजनेस में नौकरी में उन्नति होगी, धन का आगमन होगा, उच्च पद प्राप्त करेगा, परिवार में सगे संबंधियों से आनंद प्राप्त करेगा, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। लेकिन 14 जुलाई 2015 से गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तथा सिक्स्थ हाउस में गोचर करेगा। सिक्स्थ हाउस में गुरु के गोचर से हेल्थ खराब होगी, मानसिक पीड़ा बढ़ेगी, शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी। सूर्य ट्रांजिट के समय केवल उच्च भावों में ही शुभ फल देता है। वर्ष के आरंभ में सूर्य 10th हाउस में गोचर कर रहा है तथा 14 जनवरी 2015 से 14 फरवरी 2015 तक 11th हाउस में गोचर करेगा। सूर्य व्यापार में वृद्धि करेगा, नौकरी में उन्नति करेगा, स्थान लाभ होगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सूर्य जब वृष राशि में तथा सिंह राशि में ट्रांजिट करेगा तो शुभ फल देगा, अन्य राशियों में अशुभ फल देगा। वर्ष के आरंभ में मंगल व शुक्र लाभ भाव में ट्रांजिट के समय शुभ फल दे रहे हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2015 के पहले 6 महीने में मीन राशि वालों को मिला जुला फल प्राप्त होगा तथा अंतिम 6 महीने में अशुभ फल प्राप्त होंगे। अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रत्येक थर्सडे को गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र की एक माला यानी कि 108 बारी जाप करें। मंत्रों का जाप शुक्ल पक्ष के वीरवार से ही शुरू करें। नमस्कार।